हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फाइनली मास सिनेमा बॉक्स ऑफिस का असली किंग वापस आ रहा है। जंगल में तो हर जानवर अपना शिकार करता है, मगर दुश्मन के घर में घुसकर मारने का काम टाइगर यानी बॉलीवुड का सुल्तान ही कर सकता है। ये सिर्फ फिल्म का नाम टाइगर 3 नहीं है, इस फिल्म में एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, थ्रिल सब कुछ 3 गुना ज़्यादा होने वाला है। टाइगर फ्रेंचाइज से जो उम्मीद होती है जबरदस्त एक्शन, इस बार का एक्शन नेक्स्ट लेवल होने वाला है। टाइगर किस मिशन पर है? ऐसा क्या हुआ कि रो ने उसे देशद्रोही करार दे दिया? क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। फिलहाल मेकर्स ने सबको कंफ्यूज जरूर कर दिया। कहीं ना कहीं टाइगर का ये मैसेज ऑडियंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम करता है, इससे फिल्म का बज और बढ़ेगा। ये फिल्म दिवाली के मौके पर आ रही है और बॉक्स ऑफिस को फाड़ कर रख सकती है। इस मैसेज के बाद ऐसा लगता है इस साल एक और 1000 करोड़ वाली फिल्म तैयार हो चुकी है। मैं बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ। टाइगर को पठान की जरूरत पड़ सकती है, जिंदा रहना। रहूंगा, आऊंगा। अरे ओवरऑल देखा जाए तो टाइगर 3 का ये मैसेज पूरी तरह से एक ब्लॉकबस्टर मूवी की वाइब दे रहा है। मास सिनेमा तो हर कोई बनाता है, मगर जब पर्दे पर सलमान खान आते हैं तब एक्साइटमेंट 1000 गुना बढ़ जाता है। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने फेवरेट स्टार की मूवी रिव्यू देखने के लिए स्टार्स ऑन स्क्रीन को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।